हेलो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। तो आज हमारे बाबा की श्राद्ध है, तो श्राद्ध में जो मतलब खाना पीना बनता है वो मम्मी लोग बना रही हैं। आज हम भी हेल्प कर रहे हैं, मतलब सब लोग कर रहे हैं। और बड़ी वाली दीदी के यहाँ से भी दीदी लोगों को बुलाया गया, तो वो लोग भी आएंगी। तो अभी फ़िलहाल दिखाते हैं कि घर में क्या चल रहा है। तैयारियाँ भी चल रही हैं, तो चलिए दिखाते हैं आपको। मम्मी आज अजीक तना बनाए पकौड़ी, अजी आई तना जरी भूंजी बनौती रही। कहीं जैसी खाती रही तन की उनका आज खवाही जा रहे हैं। हाँ सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि कैसे हमारी मम्मी पूजा कर रही हैं और अपने पितरों को जल दे रही हैं। और ये जो बरी बनाई हैं ये उड़द की दाल की हैं, और इनको मतलब बना के उनका भोग लगाते हैं। जैसे कहते हैं आगे के द्वारा ही हमारे पितरों को ये पहुंचता है। और कुछ डाल दिया है पशु पक्षियों के लिए, तो वो भी खा लेंगे। तो ये आज मम्मी आज हमारे यहाँ मतलब बाबा की श्राद्ध भी है, और आज के दिन बुढ़िया भी विदा हो जाएंगी, तो इसलिए मम्मी ये दो बार कर रही हैं। दोबारा और एक बार दादी का मतलब बाबा को हो गया, अब दादी का कर रही हैं। तो इसी तरीके से जो ये श्राद्ध है इसी तरीके से करते हैं। और जिसमें जितना भी किसी को खिला दो, मतलब माने होते हैं और पंडित होते हैं, तो दीदी लोगों की तो तबीयत खराब हो गई इसलिए नहीं आ पाई, तो उनकी लड़कियां आई हैं। और मम्मी ने बगल में कुछ मतलब कन्याओं को भी बुलाया था, तो अभी ये पूजा करने के बाद में जैसे खाना तैयार होता है वैसे ही तुरंत कन्याओं को भी खिला देंगे, उसके बाद ही सारे लोग ये खाना ग्रहण करते हैं। और पितर जिसके यहाँ गया या हो जाती है उसके यहाँ पितर नहीं मनाते हैं, तो हमारे यहाँ मायके में पापा हमारे गया कर चुके हैं, इसलिए वो पितर उतर अब नहीं मनाएंगे। और अगर ये पितर का समय होता है तो इसमें पानी जो है अपने पूर्वजों को देना ही देना होता है, क्यों कहते हैं इससे ये होता है कि हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको पानी मिलता है, मतलब वो पीते हैं, बोला तो यही जाता है। और इससे हमारे जो उनकी कृपा होती है हम लोगों के ऊपर बनी रहती है। चलो चलिए, तो इधर मम्मी और निधि थोड़े से बर्तन मांज रही थी जो खाली हुए थे, और हम इधर कचौड़ी का जो मसाला है उसे मतलब पीस रहे हैं। और इधर जो हमारी और निधि की बात हो रही थी मजाक मस्ती, और इधर कन्याएं जो मतलब आने वाली थी उनको मम्मी बुलाने गई थी, हम इधर अपना आटा सान वान के पूड़ियाँ भी बनाने लगे थे। मम्मी तुरंत ही बोली कि सब तैयार हैं, और खाना भी इधर हमारा तैयार था। तो इधर कन्या आ चुकी हैं और मम्मी ने उन्हें आसन भी दे दिया और उनके लिए थाली भी लगा दी है। और इधर निधि और आंचल से भी कहा गया कि बैठ जाओ, पर ये सब कन्या खा चुकी थी पहले, अपने घर से खा के आई थी इसलिए इनको भूख नहीं थी, पर मम्मी ने कहा तो बैठ गई हैं। और सब बहुत थोड़ा थोड़ा सा ही खाना खा रही हैं, और वैसे भी बहुत थोड़ा ही ये सब खाती हैं। और हम लोग बोल रहे थे अगर कन्या नहीं खाओगी तो दक्षिणा नहीं मिलेगी, इसलिए तो बैठ चुकी है और इसकी तबीयत सही नहीं है। क्या हो गया, तुम भी शर्मा रही हो क्या? इस तरह तो बनाया है सब पूरा, आ गया हूँ गाइस। फोटो शूट चल रहा है, ये देखो टेढ़ी मेढ़ी गाड़ी है, टेढ़ी मेढ़ी गाड़ी है। अब फोटो तो टेढ़ी मेढ़े खड़े होके फोटो खींचते हैं ना,
पापा हमारा कैमरा में काफी बस आला इतना गंदा गंदा का यार। अरे हम भी खींचेंगे, हम भी खींचेंगे, खींचो ना चश्मा वाला, दिखा रहे आपको कैसी फोटो खींच रही। हटाइयो, खींचो खींचो, तो दोस्तों जो खाना ऊपर रखा गया था बाबा की सराद के लिए, जो बाबा के लिए, तो वो खाना जो है इधर सब बंदर आ गए और वो सब खा रहे हैं। पहले इसके पहले जो है चिड़िया भी खा रही थी, तो इसी को बोलते हैं कि हमारे पितर खाते हैं, क्योंकि वो तो खुद आते नहीं हैं, पर इन्हीं जीव जंतु के द्वारा ही समझिए वो अपना भोजन जो है ग्रहण करते हैं। और ये एक बंदर था, इधर गेहूँ पड़े थे, ये इतनी तेज़ से मेरी तरफ भागा कि क्या ही बताऊँ मैं, तो कमरे में घुस गई। तो आज अपने ब्लॉग को यहीं पर करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में। बाय बाय, राधे राधे।